हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरटीपी नवंबर 2020। आरटीपी नवंबर 2020 स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का। आरटीपी नवंबर 2020 और ये है प्रोसेस कॉस्टिंग का। प्लीज आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप एम लिमिटेड प्रोड्यूसेज अ प्रोडक्ट एक्स व्हिच पासेस थ्रू द थ्री प्रोसेस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन प्रोसेस थर्ड अ बाय प्रोडक्ट अराइजेज व्हिच आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 85 पर यूनिट अ प्रोडक्ट जेट इज प्रोड्यूस्ड। द इंफॉर्मेशन रिलेटेड फॉर द मंथ ऑफ द अगस्त 2020 इज एज फॉलोज। प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकेंड, प्रोसेस थर्ड। नॉर्मल लॉस इज गिवेन 5%, 10%, 5%। मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन 7,000 डेज। अदर मटेरियल्स एडेड। डायरेक्ट वेजेस। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवेन। प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द मंथ 2,88,000 व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस का मतलब होता है कि डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, कितनी दी हुई है 4,200,000 54,000 प्लस 48,000। तो आपका ये कितना हो जाएगा टोटल ऐड करने पे 42,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000। दिस इज 1,44,000। 1,44,000 और प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी है 2,88,000। प्रोडक्शन ओवरहेड परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज दैट इक्वल टू 2,88,000 डिवाइडेड बाय 1,44,000 इंटू 100 दैट इक्वल टू 200% हो गया। इट मीन्स व्हाट? प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेटेड इन ईच प्रोसेस 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड का। ठीक है ना बेटा? अब चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका ये प्रोसेस अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन जो आएगा उसको समझते हैं। पहले स्क्रैप वैल्यू सोल्ड रुपीज 10 पर यूनिट। प्रोडक्ट जेड कैन बी सोल्ड 135 पर यूनिट विद द सेलिंग कॉस्ट रुपीज 15 पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड प्रोसेस में 6,600, प्रोसेस सेकेंड 5,200, प्रोसेस थर्ड 4,800, प्रोडक्ट जेड 600। देयर आर नॉट ए स्टॉक इन बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द मंथ। यू आर प्रिपेयर टू अकाउंट्स। आपको बनानी है अकाउंट्स बनानी है। ठीक है ना? अब चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट। प्रोसेस प्रोसेस अकाउंट फर्स्ट यहाँ पे पार्टिकुलर होगा, यहाँ पे यूनिट्स होगा, यहाँ पे अमाउंट होगा। ये रुपीज हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, ये रुपीज हो जाएगा। अब आपके पास टू मटेरियल, मटेरियल 7,000, 1,40,000 ये है,
टू अदर मटेरियल, अदर मटेरियल वो प्रोसेस में दिया हुआ है, अदर मटेरियल, अदर मटेरियल में हमारे पास कितना जाएगा, 62,000, 62,000 टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, एक मिनट, हाँ बोलो कुमार, हाँ बोलो कुमार, एक मिनट बाद बात करता हूँ थोड़ा सा, बाद डायरेक्ट वेजेज आपके पास कितनी है, 42,000, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 14,000 टू प्रोडक्शन ओवरहेड, टू 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस दैट इक्वल टू 42,000 दैट इक्वल टू 84,000, ये हो गया। यहां पे आपका 7,000 आ जाएगा और ये 3,42,000 ये हो जाएगा। बाई नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, नॉर्मल लॉस में इंफॉर्मेशन द स्क्रैप कैन बी सोल्ड बाई ₹10 और नॉर्मल लॉस 5%, तो 7,000 का 5% 350 हो जाएगा। अब आपको यहां पे नॉर्मल लॉस 350, 3,500 हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको यहां पे आपको हो जाएगा पर यूनिट, प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, जो क्लोजिंग स्टॉक और ट्रांसपोर्ट जो प्रोसेस सेकंड में जो हो जाएगा उसका क्या हो जाता है, 3,42,000 माइनस 3,500, 7,000 माइनस 3,42,000 माइनस 3,500 डिवाइड 6,650 रुपीज 50.91, रुपीज 50.9022 बाई प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस सेकंड में 6,600 है, यहां पे देखिए प्रोसेस सेकंड 6,600, प्रोसेस फर्स्ट 6,600, सेकंड से 5,200, दिस इज 4,800, दिस इज 600 बाई, अब एट द रेट ऑफ ये हो जाएगा 50.9022 बाई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा, तो ये ऐड करने पे कितना हो गया हमारे पास 6,600 प्लस 350 माइनस 7,000 दैट इक्वल टू 50, तो एट द रेट ऑफ ये भी 50.9022, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,35,955,2545 रुपीज 7,342,000 ये हो गया। अब आपका प्रोसेस अकाउंट सेकंड बनाया जा सकता है, प्रोसेस अकाउंट सेकंड,
पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट्स पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट्स रुपीज टू प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट्स 600 335 955 टू अदर मटेरियल मटेरियल 136,000 टू डायरेक्ट वेजेस 54,000 टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास आ जाएगा 16,000 टू प्रोडक्शन ओवरहेड टू 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस दैट इक्वल टू 54 डेज 108,000 ये सारी कॉस्ट मैंने जो लिखा ना यहाँ का ये और ये और 200% डायरेक्ट वेजेस का प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया ठीक है 10% नॉर्मल लॉस है तो 10% ऑफ 60 इतना तो 660 हो जाएगा यहाँ पे तो भाई सिक्स सिक्स जीरो सारे ऐड करेंगे तो 6,49,955 यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा यहाँ पे तो रुपीज बाय नॉर्मल लॉस 660 एट द रेट ऑफ 10 तो 6,600 हो जाएगा तो 6,49,955 माइनस 6,600 माइनस 660 ये हो जाएगा रुपीज 108.3089 बाय प्रोसेस थर्ड 5200 एट द रेट ऑफ 108.3089 ये हो जाएगा 5,63,206 बाय एबनॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 108.3089 यहाँ पे 6,600 होगा बैलेंसिंग फिगर होगा 740,80,149 टोटल 6,49,955 अब प्रोसेस थर्ड अकाउंट बनेगा पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट
फिर पार्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट। अब यहां पे टू प्रोसेस, प्रोसेस सेकेंड अकाउंट्स 5200, 5,63,206 टू अदर मटेरियल्स, मटेरियल्स 84,200 टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 48,000 टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 14,000 टू प्रोडक्शन ओवरहेड 200% ऑफ 84,000 48,000 दैट इज 96,000 बाय नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस इसमें कितनी है देखिएगा, 5% इसका, दैट इज 5200 का, तो 5% 5200 का, 5% ऑफ 5200 दैट इज 260, यहां पे 260 हो जाएगा 5200 का, और ये एट द रेट ऑफ 10 हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 10 तो 2600 हो जाएगा, और टोटल यहाँ पे बाय प्रोसेस, बाय यहाँ पे प्रोडक्ट जे एक्स, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एक्स बाय प्रोडक्ट जेड, प्रोडक्ट एक्स आपका 4800 बन गया, ये आपका 600 हो गया, टोटल 5660 हो गया। तो यहाँ पे 5200 है, तो यहाँ पे 5660 हो गया बाय एबनॉर्मल गेन, ये 460 हो गया। कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, ये सारे ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस्ट पर यूनिट 563206 प्लस 84200 प्लस 4800 प्लस 14,000 प्लस 96,000 तो ये हो जाएगा टोटल 5,63,206 प्लस 84,200 प्लस 48,000 प्लस 14,000 प्लस 96,000 माइनस 2600 whole divided by 5200 minus 260 260 minus 600 minus 600 तो 800 8,05,406 माइनस 26,21 यहां पे ये जो सेल किया जा रहा है, ये देखिएगा आप,
यहाँ पे बोला गया है, देखिएगा प्रोडक्ट थ्री बाई अ प्रोडक्ट एराइजेज विच आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इट्स कॉस्ट इज ₹85 पर यूनिट, 85 पर यूनिट दैट इक्वल टू 600 इंटू 85 दैट इक्वल टू 50 पर यूनिट, जेड इज रियलाइज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड दिस, इंफॉर्मेशन रिलेटेड दिस प्रोडक्ट जेड कैन बी सोल्ड ₹135 पर यूनिट विद द सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट ₹15 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ₹15 पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स दिस प्रोडक्ट जेड कैन बी सोल्ड ₹135 पर यूनिट विद द सेलिंग कॉस्ट ₹15 पर यूनिट, लुक एट हियर ₹15 पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट एंड व्हिच इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 85, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 85। तो यहां पे आपकी जो कॉस्ट हो जाएगी इसकी, लुक एट हियर प्रोडक्ट जेड का जो कॉस्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट जेड का जेड सेलिंग प्राइस ₹135 लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ₹85, सेलिंग एक्सपेंडिचर कितनी है 15, तो नेट रियलाइजेस कितना होगा 35। तो आपको यहां पे माइनस एक और करेंगे जेड को एट द रेट ऑफ 600 इंटू 35 करेंगे तो 21,000 हो जाएगा, तो यहां पे माइनस 21,000 भी करेंगे तो माइनस 21,000 माइनस 2600 होल डिवाइडेड बाई आपका ये माइनस 260 माइनस 600 रुपीज 180.1396, तो एट द रेट ऑफ 180.1396 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो कितना आ जाएगा आपको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8,64,670 टोटल आपके पास हो जाएगा दिस 82,000। यहाँ पे 180.1396 82,864 हो जाएगा, टोटल सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,88,270 ये। अब आपको एक और अकाउंट इसमें बनेगा वो है बाय प्रोडक्ट प्रोसेस अकाउंट्स, बाय प्रोडक्ट प्रोसेस अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट
पार्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, टू प्रोसेस थर्ड अकाउंट, $621,000 टू प्रोसेस कॉस्ट, 50,100 टू सेलिंग एक्सपेंसेस, $9,000 तो सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास कितनी है, 600 × 15 और ये है 600 × 85 यहाँ पे 600 × 85 हो जाएगा ये 6,000 हो जाएगा। टू प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जेड जेड 681,000 यहाँ पे 81,000 या 81,000 ठीक है बेटा। तो इस तरह ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। ओके, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।